दिल्ली के अंदर अभी तक कुल मिलाकर 3439 केसेज आए हैं, जिसमें से 125 केसेज कल के भी हैं, और जो लोग अभी तक बीमार हैं उनमें से 52 लोग आईसीयू में और 9 लोग वेंटिलेटर। सर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कितना बना है क्या दिल्ली में? कल कोई नया कंटेनमेंट जोन नहीं बना है, 100 कंटेनमेंट जोन अभी तक है। परंतु मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि दिल्ली में बहुत ही स्ट्रिंजेंट हमने तरीका रखा है कि किसी एरिया में 3 केसेज भी आते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। अब तो उसमें काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें काफ़ी दिनों से कोई नया केस नहीं आया, तो अब हम इसको ग्रीन ऑरेंज एंड रेड में डिवाइड करेंगे। सर एक गाइडलाइन कल एमएचए की तरफ से आया जिसमें प्रवासी जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं उनको ले जाने की बात हो रही, तो क्या दिल्ली सरकार ने क्या योजना बनाई है कैसे? देखिए एक राज्य से दूसरे हम दूसरे राज्यों के साथ संपर्क में हैं और गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है कि जिस राज्य के अंदर प्रवासी मजदूर हैं उस राज्य को उनको मेडिकली स्कैन करना है जाने से पहले। हम बिल्कुल संपर्क करेंगे और ले जाने का प्रबंध उस राज्य को करना है जिस राज्य के बोलोगे। सर अब तक कितने राज्यों से आप लोग संपर्क में हैं? सभी से सर। एक मामला ये भी है कि कल ये खबर आई कि स्लो टेस्टिंग वाला जो इश्यू है कि कुछ टेस्ट सैंपल्स गए थे जिनकी टेस्टिंग 10 दिन 12 दिन हो गया अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, वो क्या है? नहीं ऐसा 10-12 दिन वाले नहीं है, वो तो कन्फ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ NIB नोएडा के अंदर पहले हमारे टेस्ट काफ़ी तेजी से हो रहे थे तो पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर डिले हुआ। सर फरीदाबाद और जो हरियाणा का बॉर्डर है दिल्ली से लगा हुआ, वहाँ से जो स्वास्थ्य कर्मी है या बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग जुड़े हैं वो दिल्ली में नहीं आ पा रहे या दिल्ली से नहीं जा पा रहे, इसको लेकर आप लोगों ने क्या राज्य हरियाणा के हम संपर्क में इसको जल्दी से रिजॉल्व कर लिया है। सर एक आजादपुर मंडी से भी खबर है कि कुछ ट्रेडर्स जो है वहाँ पे आजादपुर मंडी के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कितनी संख्या? देखिएगा जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उसको पूरे एरिया को सैनिटाइज करके और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग टाइमिंग बढ़ा दिए गए हैं, 24 घंटे मंडी को खोला जा रहा है, सब चीज़ों का इसके ऊपर हम संज्ञान ले रहे हैं।